गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां के सुबह 7 बज चुके हैं और कल का जो सेशन है वो आपके लिए लाइंड अप हो चुका है। तो पहले तो आपको ये बता दें कि कुछ लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, क्या मैम सैटरडे को एमसीक्यू नहीं हुआ था। तो आपको ये बता दें कि यूपी के अंदर सेक्शन 144 लगा हुआ था, जिसके चलते जो सेशन था वो नहीं कंडक्ट हुआ था। बट आज की जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसके साथ सैटरडे वाले जो क्लास की पीडीएफ थी वो भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, और जितने भी एमसीक्यू थे या जितनी भी न्यूज है वो सारी की सारी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने लोग आ चुके हैं, विक्की, मोहित, सिद्धार्थ, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब एक चीज और बता दें, देखो सेशन में आज क्या क्या चीजें रहने वाली। मंडे का दिन है तो ऑब्वियस बात है कि सेशन में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले देख लो, जरा बात कर लेते हैं। एमसीक्यू होंगे जिसके साथ में हम लोग पुरानी वाली न्यूज को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। उसके बाद न्यूज का सेशन रहेगा एज यूजुअल, जैसे होता है। ऑर्गेनाइजेशन में आज हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं वो होगा वर्ल्ड बैंक, या हम कह लें वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में देखेंगे स्टैटिक, जहां पे मैंने आपके लिए कुछ टेम्पल्स के नाम रखे हुए हैं और आपको बताना होगा वो कौन से स्टेट के अंदर है, ठीक है। चलिए, अच्छा ओके, राधे राधे भी हो गया। अब जरा कुछ बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले, सेशन को शुरू करने से पहले एक अच्छा सा थॉट अगर मिल जाए तो यार दिन की शुरुआत जो होती है बड़ी अच्छी होती है। तो देखो, उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती रहे। यानी कि जब भी अगर आपको सफलता मिलती है अपनी लाइफ में, कभी भी अगर आपको बहुत ही अच्छी चीजें मिलती हैं, तो कभी भी आपको उस चीज का खुमार नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको उस चीज का, बिल्कुल आप कहते हैं ना कि बिल्कुल हवाओं में उड़ रहे हैं, पैर जो है वो जमीन पे आ ही नहीं रहा, बिल्कुल वैसा वाला फील नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार एंड में होता क्या, आना तो जमीन पे ही वापस होता है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपकी जो सक्सेस है हमेशा उसको पॉजिटिव वे में लिया जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा अब बात कर लें आज के न्यूज़पेपर में यार कौन कौन सी चीजें देखने को मिली। और हाँ, सेशन को जरा लाइक और शेयर करते जाइएगा, क्योंकि अब बीच में बोलने का मौका नहीं मिलने वाला है। चलो, सबसे पहली चीज, यहाँ पे जो दो न्यूज आपको नजर आ रही है दोनों ही पॉलिटी से किस तरीके से कनेक्ट होंगी वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जीए के पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है वो जान लो। देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इम्पासेस आफ्टर बीजेपी ऑप्ट आउट, गवर्नर इनवाइट सेना। यानी कि आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में अभी जो इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, इलेक्शंस में यहाँ कोई भी ऐसी पार्टी नहीं हुई जो कि पूरी बहुमत के साथ आई हो या फिर मेजोरिटी के साथ आई हो। तो इस केस में गवर्नर के पास, जो भी राज्यपाल होते हैं उनके पास एक राइट होता है कि वो क्या करते हैं कि जो भी पार्टी ऐसी है जिसके पास सीट्स ज्यादा हैं, मेजोरिटी भले ही ना हो लेकिन अगर उसके पास सीट्स ज्यादा हैं, तो गवर्नर क्या करेंगे, उस पर्सन को या फिर उस पार्टी को वहां पे पूरी तरीके से इनवाइट कर सकते हैं कि वो आगे आके सरकार अपनी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सीएम कौन थे, फर्नांडिस जी थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया, सबसे पहले पॉइंट। दूसरी चीज, अगर पूछा जाए महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह जी को अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर अपॉइंट किया गया। तो अभी क्या हुआ था, गवर्नर जो है उन्होंने बोला यहाँ पे बीजेपी को इनवाइट किया कि आप आगे आइए और अपनी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करिए। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इन्होंने शिवसेना को इनवाइट किया है कि आप आगे आके अपनी जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म करिए। तो देखने वाला होगा कि गवर्नमेंट जो है वो कोलिजन से बनेगी या फिर यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल पेपर में ऐसा जितना कुछ ज्यादा था नहीं कंटेंट, बट ये ध्यान रखिएगा कि गवर्नर के पास पावर होती है, अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है तो वो किसी भी पार्टी को इनवाइट कर सकता है। ऐसे ही सेम केस गोवा में भी हुआ था। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, अपने पॉलिटी से कनेक्ट करते हुए चला करो, ठीक है। चलो, दूसरी न्यूज क्या है, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN शेषान डेड। यानी कि जो सबसे पहले, या हम लोग ये बात कर लें कि अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, वहां पे बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं, बहुत सारे बदलाव जो हैं वो होते रहते हैं। अब आपने पॉलिटी में एक चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में, वहां पर आपने एक नाम पढ़ा होगा TN शेषान जी का। ये जो है इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, या हम इसको ऐसे समझ लें कि आपने देखा होगा ना कि इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है। जितने बड़े बड़े कंपनी होल्डर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, चुनाव में बहुत सारा पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये रिफॉर्म्स किए गए थे कि जितना पैसा यहाँ पे पार्टियों को दिया जाता है उसमें कुछ कटौती करी जाए। जैसे कि अभी है ना कि 2000 रुपीज आप दे सकते हैं, फिर उसको बोला गया 20,000 तक दे सकते हैं, 20,000 के अगर ऊपर गए तो आपको अपना पूरा डिटेल भी बताना पड़ेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि TN शेषान जी की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई है, और ये आप ये कह लो यहाँ पे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो नाम है वो इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल हम लोग एमसीक्यू लेके आएंगे जिसमें आपको ये दोनों ही चीजें और थोड़ा डिटेल में मिलेंगी। अब चलो भाई, उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम लोग 7, 8, 9 नवंबर का पीडीएफ, यार पीडीएफ जो है, पीडीएफ एज यूजुअल आपको लिंक के नीचे मिल जाएगा, जहां पे वीडियो होगी वहीं पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहीं पर आपको ये चीज मिलेगी। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 324 बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे।
ठीक है, साउंड जो है सर प्लीज़ एक बार साउंड चेक कर लीजिएगा, टेक्निकल टीम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है साउंड। ओके चलो, अच्छा अब बात करें, सबसे पहला सवाल देखो, 11th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड एट विच प्लेस, यानी कि 11th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस मैंने मेंशन किए, उम्मीद करते हैं कि अब जो साउंड की प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील, लेकिन अब बाकी ऑप्शन से क्या है वो भी बताते हैं, और ब्रिक्स वाला जो पॉइंट है ये भी जान लो। देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। 2010 में जो साउथ अफ्रीका है उसको ब्रिक्स के अंदर ऐड किया गया था, और अभी 11th वाला जो समिट है ब्रिक्स का वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कहाँ, ब्राजील के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बात समझ में आ गई, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बहुत जल्दी ब्राजील की यात्रा पे जाने वाले हैं क्योंकि उनको इस समिट को यहाँ पर अटेंड करना है। अब बाकी ऑप्शन से क्या क्या चीज़ें, जरा उसको खेलना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बैंकॉक आया, तो ये किसकी कैपिटल है, थाईलैंड की हो जाएगी, और इसकी करेंसी क्या होगी, इसकी करेंसी भाट है। ब्राज़ील में देखो ब्राज़ीलिया इसकी कैपिटल है और ब्राज़ीलियन रियल जो है वो इसकी करेंसी हो जाएगी। बाकू अज़रबैजान की कैपिटल आपको ध्यान रखना है कि इसकी कैपिटल है और मानद जो है वो इसकी करेंसी है। उज़्बेकिस्तान में ताशकंद इसकी कैपिटल हो जाएगी और सोम यहाँ पे उज़्बेकिस्तान की करेंसी होगी। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है विशाखापट्टनम इसकी कैपिटल करेंसी क्या बताएं, विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बंदरगाह है। अब देखो सारे पॉइंट से क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी, कैपिटल और यहाँ पर मैंने आपको करेंसी बता दी। पॉइंट, बैंकॉक के अंदर अभी रिसेंटली, पहले तो हम लोग जरा बात कर लें, बैंकॉक के अंदर अभी रिसेंटली आसियान का आपको सम्मेलन देखने को मिला, आरसीईपी का सम्मेलन हुआ, और ईएएस का यानी कि ईस्ट एशिया समिट में आपको कहाँ देखने को मिला, बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। सेकेंडली ब्रिक्स का जो 2020 वाला सम्मेलन है वो कहाँ पर होगा, तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा कहाँ पर, रशिया के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैंने आपको बाकू दिया हुआ है ऑप्शन में, यानी कि अज़रबैजान की जो कैपिटल है बाकू, वहाँ पर आपको नाम की जो समिट है, नॉन आप ये कह लो यहाँ पे कि 18th जो यहाँ पे एडिशन हुआ था नाम का, वो आपको यहाँ देखने को मिला अज़रबैजान के अंदर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एससीओ, अच्छा किसी ने एक कमेंट किया था कि मैम एससीओ आपने बताया है ताशकंद उज़्बेकिस्तान के अंदर, लेकिन एससीओ जो है वो किर्गिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ, बिल्कुल करेक्ट है, किर्गिस्तान के अंदर एससीओ की मीटिंग हुई है, बिल्कुल करेक्ट है 2019 की, लेकिन ध्यान तो दो यहाँ पे, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मैंने लिखा हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ, तो ये आपको ताशकंद के अंदर देखने को मिला, यानी कि उज़्बेकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिम्स्टेक की जो पोर्ट वाली मीटिंग हुई उसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये विशाखापट्टनम के अंदर पहली बार इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज करेगी। ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर क्या है, कहाँ होगा, ब्राजील में, तो ब्राजील का एक बार मैप देख लो, लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो ये जो मैप है ये है आपका साउथ अमेरिका का मैप, साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे सबसे बड़ी जो कंट्री है, जो लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सी है, वो है ब्राज़ील, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट, यहीं पर आपको अमेज़ॉन के जंगल भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा आग भी लग गई थी। इसी लोकेशन पर आपको रियो डी जनेरियो भी देखने को मिलता है। और एक पॉइंट, ब्राज़ील जो है कॉफ़ी के प्रोडक्शन में नंबर वन पे आता है पूरे वर्ल्ड में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील जो है सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, दूसरे नंबर पे आपको अर्जेंटीना देखने को मिलेगी, उसके बाद रियो डी जनेरियो कहाँ पर है, ब्राज़ील में है, और ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी के प्रोडक्शन में नंबर वन पर आता है। समझ गए, पहला पॉइंट समझ आ गया। देखो दूसरा सवाल, रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट 100 T20, हु इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर टू कंप्लीट द 100 T20 प्लेड इन द वर्ल्ड, यानी कि रोहित शर्मा ने अभी 100 यहाँ पे T20 पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो पहला सवाल तो यही बन गया। लेकिन इसमें मैंने दूसरा सवाल आपसे पूछा है कि वर्ल्ड में ऐसा करने वाला सबसे पहला प्लेयर कौन सा है, सबसे पहला यहाँ पे प्लेयर कौन सा देखने को मिलता है। ओके यहाँ पे पुष्कर राय जी, पुष्कर राय जी वैसे भी हमेशा बिल्कुल डिटेल में आंसर करते हैं, वार्म वेलकम, ओके गुड मॉर्निंग, ठीक है जितने लोग अभी आते जा रहे हैं गुड मॉर्निंग। अब देखो अमेज़ॉन रिवर भी आपको यहीं पर मिलेगी, बिल्कुल करेक्ट है, साउथ अमेरिका में मिलेगी। ओरिनोको रिवर भी यहीं पर मिलेगी आपको, एंजल वाटरफॉल भी आपको साउथ अमेरिका में मिलेगी। इतने सारे पॉइंट्स होते हैं ना, सारा एक जगह पर लाके कंपाइल करने में दिक्कत होती है। ओके साउथ अमेरिका की लैंडलॉक जो कंट्री आपने पूछी है, बोलीविया और पेरागुए,
बोलिविया एंड पेरागुए। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, आंसर क्या हो जाएगा, शोएब मलिक इसका आंसर। वेरी नाइस, आप लोगों ने आंसर कर ही दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शोएब मलिक होगा। अगर पूछा जाता है कि इंडिया की तरफ से कौन है तो आंसर क्या होगा, रोहित शर्मा। अगर वर्ल्ड के पॉइंट से पूछा जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा, शोएब मलिक होगा। सेकेंडली यहाँ पे विराट कोहली का नाम लिखा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें विराट कोहली सेकेंड नंबर पर देखने को मिलते हैं और जो स्मिथ हैं ऑस्ट्रेलिया के वो आपको फर्स्ट नंबर पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखो राशिद खान लिखा है, तो पहली चीज़ तो ये जान लो कि कौन सी कंट्री से खेलते हैं, तो ये अफगानिस्तान से खेलते हैं। राशिद खान मैंने आपको ऑप्शन में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि राशिद खान जो है वो टेस्ट क्रिकेट में, जो पूरा टेस्ट क्रिकेट होता है ना, टेस्ट क्रिकेट में सबसे यंगेस्ट कैप्टन के रूप में आपको देखने को मिले। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे फिलिप साइमन का नाम लिखा है, तो अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज टीम जो है उसके कोच के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। तो जितने ऑप्शन उतने सवाल, आपको क्या करना है सिर्फ सेशन को यहां पे देखते रहो, चीजों को रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और हां, अफगानिस्तान जो टीम है उसने लखनऊ के अंदर जो इकोना ग्राउंड आपको देखने को मिलता है उसको अपना होम ग्राउंड भी डिक्लेयर किया हुआ है और यहां पे भी मैचेस भी चल रहे हैं। अब देखो यहां पे कुछ स्पोर्ट्स वाली जितनी भी न्यूज हमने पढ़ी थी ना पिछले वाले वीक में, वो सारी मैंने आपके लिए कंपाइल कर दी। सबसे पहले देखो, नोवाक ने अभी रिसेंटली पेरिस मास्टर्स जीता है, और जो नोवाक है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, सर्बिया से। नेक्स्ट दीपक कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। नेक्स्ट मनु भाकर ने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। एयर राइफल और एयर पिस्टल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लक्ष्य सेन ने भी यहां पर सार लॉर्ड लक्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो जीता है, यानी कि ये जो है ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं, बैडमिंटन से जुड़े हैं। होता क्या है, स्पोर्ट्स प्लेयर जो होता है ना उसका नाम देते थे और पूछा जाता है कि भैया कौन से गेम से जुड़े हुए, तो एटलीस्ट आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चाइना ओपन में केंटू मोमाटा जो है इन्होंने अभी हाल ही में टेन चेन को हराया है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इन्होंने अभी रिसेंटली यहाँ पे चाइना ओपन को जीता है, ठीक है। अ वेरी गुड मॉर्निंग जो लोग अभी जुड़े हैं और जिनका पहला क्लास है, वार्म वेलकम, और सेशन को यहाँ पे यार देखते रहो, और साथ में अगर आप पहली बार भी जुड़े हैं तो प्लीज़ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल भाई जल्दी से आंसर करिएगा, दिल्ली में एसी की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, ओके। कुमार गौतम जी बोल रहे हैं कि दिल्ली में जो पोल्यूशन हो रहा है वो एसी की वजह से हो रहा है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल देखो, 25th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इज स्टार्टेड एट विच स्टेडियम, जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने स्टेडियम स्टैटिक का पोर्शन उठाया है यहाँ से। देखो 25th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो अभी हाल ही में कौन से स्टेडियम में शुरू हुआ है, ये आपके लिए सवाल है। आंसर क्या हो जाएगा, नेताजी इंडोर स्टेडियम। अब देखो एक पॉइंट, सबसे पहले अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नेताजी इंडोर स्टेडियम जो है वो कौन से स्टेट में है, तो आंसर क्या होगा, वेस्ट बंगाल। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी सिटी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता होगा। और कोलकाता जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है, तो आंसर विल बी हुगली, फाइन। नेक्स्ट देखो, वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम ये कहां पर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा अहमदाबाद के अंदर, यानी कि गुजरात में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो 21st ऑफ अक्टूबर को यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, ठीक है ना। और एक चीज और, आरंभ नाम का एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था आईएएस ऑफिसर्स के लिए यही गुजरात के अंदर, जब यहाँ पे 31st अक्टूबर को यूनिटी डे सेलिब्रेट हुआ है, गॉट इट। अगला देखो, अरुण जेटली स्टेडियम, अब भाई ये कहाँ है, तो फिरोजशाह कोटला स्टेडियम जो है उसका जो नाम है वो चेंज होके यहाँ पे अरुण जेटली स्टेडियम हो गया, यानी कि ये आपको नई दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो, ईडन गार्डन्स ये कहाँ पर है, तो ये भी आपको कोलकाता के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब देखो इससे और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो डे और नाइट टेस्ट मैच होगा वो कंडक्ट किया जाएगा कहाँ पर, ईडन गार्डन्स के अंदर, यानी कि वेस्ट बंगाल में। सेकेंडली आपसे पूछा जा सकता है कि विराट कोहली के लिए अलग से जो स्टैंड बनाया गया है वो कौन से स्टेडियम में बनाया गया, तो आंसर क्या होगा, अरुण जेटली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम क्या था, तो फिरोजशाह कोटला उसका नाम होगा, फाइन। अब देखो कुछ यहां से बेसिक पॉइंट्स हैं जहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला, कौन सा एडिशन है, 25th एडिशन है, कौन सा, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये कोलकाता है, ठीक है, ध्यान रखना, गोवा की अभी मैंने बात नहीं करी, कोलकाता की हम बात कर रहे हैं। अब देखो, इंडोर स्टेडियम में ये सेलिब्रेट हुआ, और यहाँ पे जिस देश के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, जिस कंट्री को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, वो कंट्री कौन सी है, जर्मनी है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जब इस फेस्टिवल को स्टार्ट किया गया तो सबसे पहली जो मूवी दिखाई गई वो कौन सी है, सत्यजीत रे जी के द्वारा एक मूवी है, गोपी गैन बागा बाय फिल्म, ये जो फिल्म का नाम है इसके, इसको दिखाने के बाद ही ये जो पूरा यहाँ पे टेलीकास्ट है, यहाँ पे हम कह सकते हैं पूरा जो फेस्टिवल है उसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
ये आया गोवा वाला पॉइंट। अब देखो गोवा में 50th एडिशन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, तो अगर पूछा जाए कोलकाता वाला तो 25th होगा, अगर पूछा जाता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तो जस्ट हाफ कर दी, जस्ट उसका डबल कर देना, 50th यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, गोवा वाला, ठीक है। जहाँ पर जो रजनीकांत जी हैं उनको स्पेशल आइकन गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा गोवा के अंदर किसको, यहाँ पर इजाबेल हर्बर्ट को, जो कि कौन सी कंट्री से हैं, तो ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, गोवा वाला जो यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल चल रहा है उसमें जो ओपनिंग करी गई कौन सी मूवी से हुई है, डिस्पाइट द फॉग मूवी से इसकी ओपनिंग करी गई, जिसके डायरेक्टर हैं गोरन जी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मार्गे एंड हर मदर, ये जो मूवी है ये यहाँ पे ईरान के फिल्म मेकर मोहसिन जी के द्वारा ये मूवी देखने को मिलती है, जो कि क्लोजिंग सेरेमनी में चलाई जाएगी। तो कई बार होता है ना एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ओपनिंग मूवी कौन सी थी, अगर मूवी दी गई है तो उसके डायरेक्टर का नाम, फॉर एग्जाम्पल अगर मिशन मंगल पूछा गया तो डायरेक्टर का नाम पता हो, सुपर 30 पूछा गया हो तो आनंद कुमार जी का नाम पता हो, इसी तरीके से आपको ये सारे नाम भी ध्यान होने चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा चलिए, अच्छा अगला देखो यहाँ पे तीसरा वाला सवाल क्या है, स्किल्स ऑन व्हील लॉन्च बाय विच स्टेट। अब स्किल्स ऑन व्हील नाम का एक प्रोजेक्ट है, आपको बताना है कि कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो पहले तो जरा इस स्कीम के बारे में देख लें, उसके बाद सारे स्टेट के पॉइंट से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो रिवाइज करनी है। सबसे पहली चीज़, स्किल ऑन व्हील ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इसमें एक बस चलाई जाएगी, अमरावती से इसकी शुरुआत हुई है, जो काम क्या करेगी, लोगों को यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन पहुँचाने का काम करेगी कि कितना ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को डिजिटलाइज करना चाहिए। वेरी नाइस, यहाँ पे गोवा के बारे में पूरा डिटेल बताया है कुमार गौतम जी ने। मंडे को मैंने बोला था कि नाम बताएंगे सर, एक्चुअली संडे को एक इवेंट कंडक्ट होना था बट ड्यू टू सेक्शन 144 वो कंडक्ट नहीं हुआ, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगले हफ्ते आपको ये देखने को मिलेगा सेशन, तो जहां पर हम लोग हो सकता है आपको नाम भी रिवील कर दें, टेंशन मत लो नाम मिलेगा। तो यहां पे ध्यान रखना कि स्किल ऑन व्हील का मतलब क्या है, एक ये बस सर्विस है जहां पे डिजिटल एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाएगा और टोटल ये 6 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करते हुए जाएगी, स्टेट कौन सी है, आंध्र प्रदेश उसका नाम है, ठीक है। सेकेंडली, आंध्र प्रदेश के अंदर अभी रिसेंटली एक और स्कीम चलाई गई जिसका नाम है नाडू नेडो। ये जो नाडू नेडो है इसमें क्या होगा, ये एक इस तरीके का प्रोग्राम है जो कि स्कूल्स के लिए चलाया गया है। स्कूल्स में होता है ना कि बेसिक चीज़ें वहाँ पे पहुँचनी चाहिए, खाना जो हो वहाँ पे खाना भी अच्छा होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को पहुँचाने के लिए नाडू नेडो नाम की जो स्कीम है ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर ही चलाई गई है। अब चलो ज़रा देख लेते हैं भाई यहाँ से क्या क्या सवाल और पूछे जा सकते हैं ऑप्शन में से, ठीक है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात आई है तो YSR रेड्डी जी जो हैं ये कौन हो जाएंगे, ये हो गए CM, और यहाँ पे गवर्नर कौन हो जाएंगे तो विश्वाभूषण जी जो हैं वो यहाँ पर आपको राज्यपाल देखने को मिलते हैं। इसके साथ में कांति वेलुगु जो स्कीम है आंध्र प्रदेश के अंदर चलाएगी, भरोसा नाम की जो स्कीम है वो भी YSR भरोसा, ये जो स्कीम है ये किसानों के लिए आंध्र प्रदेश के अंदर चलाएगी। आंध्र प्रदेश में आपको श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क देखने को मिलता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कुचिपुड़ी डांस जो है वो भी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। एक सवाल, ओडिशा में कौन सा आपको एक डांस देखने को मिलता है, फटाफट से बताओ ओडिशा में आपको कौन सा डांस फॉर्म देखने को मिलता है, जल्दी से आंसर करो, ओडिशा में कौन सा डांस फॉर्म देखने को मिलता है। अब देखो ओडिशा और वेस्ट बंगाल की बात करो तो यहाँ पर अभी आपको एक साइक्लोन एक चक्रवात देखने को मिल रहा है जिसका नाम क्या है, बुलबुल इसका नाम है। अब पॉइंट यहाँ से क्या है, ओडिशा के CM कौन है, नवीन पटनायक जी, गवर्नर कौन है, गणेशी लाल जी हैं, और यहाँ से ये ध्यान रखना कि एक जात्रा नाम का डांस फॉर्म या फिर छऊ नाम का जो डांस फॉर्म है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। छऊ डांस फॉर्म जो है वो आपको वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलता है। अ वेरी गुड मॉर्निंग सूर्य शर्मा जी, ठीक है। तो ये हो गया दो डांस फॉर्म, कहाँ के, ओडिशा के जात्रा हो गया, दूसरा कौन सा, छऊ डांस हो गया। इसके साथ में चंपा चमेली वाला जो यहाँ पे रोबोट है उसका भी यूज़ किया गया ओडिशा के अंदर, और बुलबुल नाम का जो साइक्लोन है वो भी यहीं पर स्ट्राइक किया है। इसके साथ चिल्का लेक जो है वो भी आपको देखने को मिलता है ओडिशा के अंदर। और एक चीज़ और जो मैंने आपको बताया था, घड़ी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जहाँ पर ऑलिव रिडली टर्टल्स आपको देखने को मिलते हैं, उस जगह पर जो फिशिंग है उसके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ओडिशा से लोकसभा सीट जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो लोकसभा सीट्स कितनी है, 21 लोकसभा सीट्स यहाँ देखने को मिलेगी। अब देखो वेस्ट बंगाल से CM कौन हो जाएंगी, ममता बनर्जी जी हैं, और यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो आपको एज अ गवर्नर देखने को मिलते हैं। अभी वेस्ट बंगाल न्यूज़ में काफ़ी टाइम से चल रहा था क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भी हुआ, और अभी आपको कोलकाता का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी देखने को मिला। और इसके साथ एक पॉइंट और,
वेस्ट बंगाल जो है यहाँ पर इन्होंने पान मसाला वगैरह जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ऑल दो उत्तराखंड भी ऐसा कर चुका है लेकिन वेस्ट बंगाल ने भी रिसेंटली किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो तमिलनाडु, अच्छा दिल्ली रह गया। दिल्ली में देखो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सीएम कौन है यहाँ पे, आपके अरविंद केजरीवाल जी हैं और ल्यूटिनेंट गवर्नर, ध्यान रखना गवर्नर नहीं ल्यूटिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बैजल जी यहाँ पे आपको ल्यूटिनेंट गवर्नर देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब दिल्ली की बात आई है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर अभी ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा बेटर होना शुरू हो गया है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, AQI का फुल फॉर्म क्या है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो तमिलनाडु में आपको सीएम और गवर्नर तो मालूम है, सबको पता है, लेकिन इसके साथ एक चीज और, जो शोर टेम्पल है वो आपको यहीं तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा, उसके बाद मुकुर्दी नाम का जो आपको नेशनल पार्क सुनने में आता है वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, चाहे फिर वो अन्नामलाई हो, अनायमुदी हो, ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क है कहाँ मिलेंगे, तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ जो यहाँ पे आपने सुना होगा ओनम और पोंगल, ये जो फेस्टिवल हैं, तो पोंगल जो फेस्टिवल है वो कहां पर सेलिब्रेट होता है, तो ये तमिलनाडु के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है, समझ गए सारी चीजें। अच्छा एक पॉइंट और आ गया, कन्याकुमारी और चेन्नई के बीच में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसके लिए ADB ने बोला है कि हम यहां पे कुछ लोन प्रोवाइड करेंगे, इसको भूल मत जाइएगा। अगला सवाल करतारपुर कॉरिडोर से, मुझे मालूम है सब लोग आंसर कर लेंगे, चलो लेकिन फिर भी सवाल तो एक बार बनना जरूरी था। करतारपुर कॉरिडोर इनोग्रेटेड बाय होम एट डेरा बाबा नानक इन पंजाब, तो ये जो यहां पे उद्घाटन किया गया है करतारपुर कॉरिडोर का जो इंडिया को पाकिस्तान से कनेक्ट करेगा, रावी नदी के ऊपर है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है इमेज आपके सामने आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी। अब देखो यहाँ पे अरविंद सिंह जी लिखे सीएम है कहाँ के, पंजाब के, मनोहर लाल खट्टर सीएम है कहाँ के, हरियाणा के, उसके बाद रामनाथ कोविंद जी ये कौन है, ये है प्रेसिडेंट, सबको पता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं, और यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो त्रिवेंद्र रावत जी आपको सीएम देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के। जय श्री राम हो गया है, जय श्री राम हो गया है, मोदी बाबा भी आ गए, बिल्कुल करेक्ट। ओके, याद कैसे किया जाए, देखो यार याद करने का कोई एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आप लोग नोट्स बनाया करो, जितने लोग भी PDF के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ना, PDF मिलेगी वहीं से मार्क कर लेंगे पढ़ लेंगे, या PDF से कभी याद नहीं हुआ, मुझे तो आज तक याद नहीं हुआ PDF से, हो सकता है आपको होता हो, बट जब तक आप चीज़ों को खुद से नहीं लिखोगे ना तब तक आपको चीज़ें याद होने वाली नहीं है, ये तो यार समझ लो अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अब देखो करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत हो चुकी है, सेकेंडली आपको क्या ध्यान रखना है कि दिस कॉरिडोर लिंक्स गुरुद्वारा दरबार साहिब इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो गुरुद्वारा दरबार साहिब है उसको जोड़ेगा किससे, तो डेरा बाबा नानक जो कि पंजाब के अंदर है उससे यहाँ पे इसको कनेक्ट किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि गुरुद्वारा दरबार साहिब जो है वो सबसे आखिरी जगह थी जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने रेस्ट किया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी देखने को मिला। ठीक है, अगला सवाल, उत्तराखंड सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे ऑन, यानी कि उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस जो है वो किस दिन मनाया है। When the name will be told, GS गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ठीक है यार नाम पता चलेगा नेक्स्ट वीक। ठीक है चलो इसका आंसर देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9th November इसका आंसर होगा। अब देखो पॉइंट क्या है, उत्तराखंड जो है उसको 2000 में यूपी से अलग किया गया था, और यूपी से अलग होने के बाद उत्तराखंड को 27th नंबर के स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड को कौन से स्टेट से अलग किया, यूपी से अलग किया, कौन से नंबर का स्टेट है, ये 27th नंबर का स्टेट है, कब अलग हुआ, 2000 में अलग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ के सीएम कौन है, तो त्रिवेंद्र रावत सिंह जी यहाँ पे सीएम है, और बेबी रानी मौर्य जी यहाँ पर आपको एज अ गवर्नर देखने को मिलती हैं। उत्तराखंड जो है उसने रिसेंटली पान मसाला के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया हुआ है, और इसके साथ अलकनंदा और भागीरथी जो रिवर्स हैं वो जहां पर मिलती हैं उस जगह को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं, और देवप्रयाग जहां से गंगा रिवर निकलती है। ठीक है, अब देखो बाकी जो ऑप्शंस थे ना, कुछ लोगों ने बोला था कि मैम कीवर्ड्स वगैरह लिख दिया करिए, तो मैंने कोशिश करी है कि हर एक पॉइंट पे आपको कुछ कीवर्ड जरूर मिले, क्योंकि मैं तो आपको रिवाइज करा देती हूं लेकिन जब आप PDF देखते हो तो उसमें लिखा नहीं होता, तो काफी दिक्कत होती है आप लोगों को, तो उस चीज को मैंने यहां पे पूरा किया। देखो 1st November केरला, हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये जितने भी स्टेट हैं ये अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं 1 November को। सेकेंडली वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो है ये मनाया जाता है कब, 5 November को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, यानी कि जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जो क्राइम किए जाते हैं उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे 2 November को एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जर्नलिस्ट के लिए एक स्कीम भी बनाई है वेस्ट बंगाल स्टेट ने, भूलना मत। अगला देखो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, 7 November को। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया गया कब, 10 November को। और वर्ल्ड निमोनिया डे कब है, कल है, कल बात करेंगे। ठीक है, अगला सवाल, हु विल बी अवॉर्डेड द व्यास सम्मान फॉर 2019, आंसर करो फटाफट से आंसर करो। विकी मौर्य जी ने GS बाबा को गुड मॉर्निंग बोला है,
ओके जल्दी से आंसर बताइए यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा, नसीरा शर्मा जी को यहाँ पर व्यास सम्मान 2019 के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो भाई बाकी कौन है, बाकी के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन पहले जरा इनके बारे में बात करें। देखो नसीरा शर्मा जी को 2014 में इनकी एक पत्रिका आई थी, या हम ये कह लें कि इनकी एक किताब आई थी जिसका नाम था कागज़ की नाव। इस बुक के लिए इनको व्यास सम्मान से अवार्ड, व्यास सम्मान जो अवार्ड है वो दिया जाएगा 2019 का, ध्यान रखना 2019 का। सेकेंडली ये जो अवार्ड है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और इसकी शुरुआत कब हुई है, 1991 में इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहला जो अवार्ड दिया गया वो यहाँ पे दिया गया था राम विलास शर्मा जी को, कौन सी किताब के लिए, तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए सबसे पहला ये अवार्ड दिया गया था। फाइन ये तो हो गया स्टार्टिंग। अब देखो बाकी जो नाम लिखे हैं वहां से क्या चीजें ध्यान रखनी है। 2018 का जो व्यास सम्मान है किसको मिलेगा, लीलाधर जी को, कौन सी किताब के लिए, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। सेकेंडली द फार फील्ड ये किताब है माधुरी विजय जी के द्वारा, जिनको अभी JCB प्राइस फॉर लिटरेचर से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट देखो तीसरा अमिताभ घोष जी को 54th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ये अवार्ड मिला है लिटरेचर के फील्ड में। नेक्स्ट देखो रवीश कुमार जी को 2019 का रमेश मैगसाय अवार्ड से सम्मानित किया गया, गौरी लंकेश अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया, ये नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। उसके बाद जो सिंगर है SP बालासुब्रमण्यम जी, इनको चेतना अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं यार सारे के सारे मैंने आपको रिकॉल करा दिए हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग दीपक जी, ओके ठीक है सबने आंसर कर दिया। अब देखो अगला सवाल, विच स्टेट टॉप्ड इन द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019। अभी हाल ही में देखो एक रिपोर्ट आई है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, जिसके अंदर टोटल 4 पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें से एक है प्रिजन, यानी कि जेल जो होते हैं उनकी कंडीशन कैसी है उसको देखा गया। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो लीगल एड दिया जाता है किसी भी क्रिमिनल को या फिर किसी भी पर्सन को जिसको अरेस्ट किया जाता है वो कैसा दिया जाता है उसके ऊपर फोकस किया गया। इसके साथ यहाँ पे जो जजमेंट होता है वो कितना फेयर होता है इसके ऊपर फोकस किया गया, और लास्ट में जो पुलिसिंग होती है यानी कि जो पुलिस की जिम्मेदारी होती है वो कितने अच्छे तरीके से किसी ने निभाई है, इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ये रिपोर्ट जो है वो जारी करी जाती है। कौन सा स्टेट टॉप पे रहा, आंसर विल बी महाराष्ट्र। अब बाकी स्टेट से जुड़े हुए अभी हम लोग पॉइंट देखेंगे, पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लें, ठीक है। देखो महाराष्ट्र जो है वो टॉप पे देखने को मिला, केरला और तमिलनाडु जो है वो इसके बाद आपको देखने को मिला। बॉटम में कौन मिला, तो एज यूजुअल बिहार और यूपी जो है वो आपको हमेशा ही कहीं ना कहीं बॉटम लिस्ट में ही देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना बिहार जो है वो आपको बॉटम लिस्ट में देखने को मिला। अब बाकी स्टेट के बारे में देखो, कर्नाटका CM गवर्नर, मिजोरम CM गवर्नर, मेघालय CM और गवर्नर, आप जरा यहीं से देख लेना एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले PS श्रीधरन पिल्लई, इनको अभी हाल ही में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, कहाँ के, मिजोरम के। नेक्स्ट पॉइंट, केरला गवर्नमेंट जो है यहाँ के अगर हम बात करें गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान जी जो हैं वो राज्यपाल हैं। थर्ड पॉइंट, के फोन नाम का जो प्रोजेक्ट है वो अभी रिसेंटली केरला के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें क्या होगा आप ये कह सकते हो इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करी जाएंगी उनको, जो कि BPL के नीचे आते हैं यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं उनको प्रोवाइड करी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, केरला जो है वो एजुकेशन इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स में आपको टॉप पे देखने को मिला। कर्नाटका के लिए आपको ध्यान रखना है भैया, कर्नाटका जो है यहाँ पर अभी एक इंडेक्स आया था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, उसमें कर्नाटका टॉप पे देखने को मिला, जो कि नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है। मिजोरम में देख लो, यहाँ पे एक आपको ट्राइब मिलेगी जिसका नाम है लुशाई ट्राइब, और धम्पा नेशनल पार्क जो है यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है वो आपको मिजोरम के अंदर ही देखने को मिलेगा। मेघालय के अंदर जो ट्राइब्स हैं वो आपको बता दें, गारो खासी और जयंतिया, एक्चुअल में ये तीन पहाड़ियाँ भी हैं और ये तीन ट्राइब भी हैं, कई बार एग्जाम में इसके ऊपर भी सवाल बनता है। अगला सवाल, इंडिया हैज़ रिसेंटली होल्ड एक्सरसाइज के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से सुनिएगा। समुद्र शक्ति जो एक्सरसाइज है जिसको अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है इन द बे ऑफ बंगाल, सवाल पूछा जा रहा है कि भारत के साथ ये जो अभ्यास है ये कौन से देश ने कंडक्ट किया है, आंसर विल बी इंडोनेशिया, बाकी के साथ कौन कौन से पहले वो जान लो। देखो इंडिया और USA के बीच में अभी देखने को मिला टाइगर ट्राइम्प नाम की जो अभी एक्सरसाइज थी उसको विशाखापट्टनम के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट USA और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सरसाइज हुई उसका नाम क्या है, उसका नाम है कैरेट। नेक्स्ट देखो इंडिया और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सूर्य किरण, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट उज्बेकिस्तान, ये आप बताओ जरा इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में अभी हाल ही में सबसे पहली बार कौन सी एक्सरसाइज उज्बेकिस्तान के अंदर कंडक्ट करी गई है, जल्दी से मुझे नाम बताओ, जल्दी से पटाख से मुझे नाम जानना है, आंसर बताओ।
पहले हम तब तक इंडोनेशिया का मैप जो डिस्कस कर रहे हैं आप लोग आंसर करो। देखो इंडोनेशियन रूपी क्या हो जाएगी, इसकी करेंसी होगी, और इंडोनेशिया की जो नई कैपिटल है वो है ईस्ट कलिमंतर। ध्यान रखिएगा ईस्ट कलिमंतर जो है ये आपको बोर्नियो आइलैंड पर देखने को मिलता है, लेकिन कैपिटल बोर्नियो नहीं है, बोर्नियो एक आइलैंड है, ठीक है, ध्यान रखना बोर्नियो आइलैंड है, उसके ऊपर आपको ईस्ट कलिमंतर एक आइलैंड मिलता है जो कि इंडोनेशिया की नई कैपिटल है। यहाँ पे जोको विडोडो जो है इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है और इनका दूसरा टर्म चल रहा था, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब देखो जरा मैप, समुद्र शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ही बुलबुल नाम का जो साइक्लोन है वो भी देखने को मिला। अब मैप पे आ जाओ, यहाँ पर आपको ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस मिलते हैं यहाँ पर आपको लोकेटेड मिलेगा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया जो है वो आसियान का सदस्य भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर नजर आ रहा है सुमात्रा, नीचे की तरफ है जावा, यहीं पर आपको जकार्ता मिलेगा, यहीं देखो लिखा हुआ है कलिमंतर, नजर आया? तो ये जो रीजन है ना, दिस इज बोर्नियो आइलैंड, और इसी पर आपको ईस्ट कलिमंतर देखने को मिलता है। सुमात्रा और मलेशिया सिंगापुर के बीच में जो ये रीजन है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। कई बार पूछा जाता है कि चाइना का जो ट्रेड है वो कौन से रूट से सबसे ज्यादा होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, कई बार पूछा गया इसलिए बता रहे हैं, इसको याद रखना, रट्टा मार लो। अब देखो पुणे में हुई इकोवेरियन एक्सरसाइज जो कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में कंडक्ट हुई, उमराई के अंदर हुई मैत्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में कंडक्ट हुई, जैसलमेर में सुदर्शन चक्र वाहिनी देखने को मिली, और इंडिया उज्बेकिस्तान, आंसर आया तुम लोग का? नहीं आ गया, ओके। इंडिया और उज्बेकिस्तान के अंदर सबसे पहली आपको एक एक्सरसाइज देखने को मिलती है, वेरी नाइस, ओके, ठीक है, सबने आंसर किया है। और SCO की जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है वो आपको दिल्ली के अंदर कंडक्ट होते हुए देखने को मिली, फाइन, समझ गए। अच्छा एक और बता दें यार, एक और रह गई है, इंडिया और ओमान के बीच में अल नागा नाम की जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करी जाती है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ओमान और इंडिया की जितनी एक्सरसाइजेस हैं वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने भी आपके ये एशिया वाले रीजन्स हैं वहाँ पे जो एक्सरसाइजेस होती हैं पूछी जाती हैं। यहाँ से शुरुआत हो रही है, नहीं मेरा ऐसा कोई भी नाम नहीं है, ओके अब देखो यहाँ पे सबसे पहली जो न्यूज़ का सेशन है वो यहाँ से शुरू होने जा रहा है, तो सेशन को लाइक और शेयर करते जाइएगा, ज़रा ये लाइव का जो वॉचिंग नाउ है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। अब देखो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो क्या है, संस्कृत भारतीय विश्व सम्मेलन बिगिंस इन न्यू दिल्ली, यानी कि संस्कृत भारतीय विश्व सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत करी गई है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, सम्मेलन शुरू हुआ है, ये क्या है और क्यों शुरू हुआ है। देखो यहाँ पे टोटल 17 कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पे वो लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कि संस्कृत के फील्ड में बहुत ही जाने माने नाम है, उन सबका यहाँ पे एक सम्मेलन आयोजित किया गया। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और इसकी शुरुआत किसने करी है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है कौन से, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, एक्सटर्नल आएगा तो जयशंकर जी आएगा, अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट आएगा तो वो कौन है, यहाँ पे वी मुरलीधरन जी हैं। अब देखो कुछ पॉइंट, राष्ट्रीय आपको याद आ रहा होगा राष्ट्रीय संस्कृत वो जो संस्कृति महोत्सव हुआ था कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था, एमपी के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था, उसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत एमपी के साथ नागालैंड ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था, और इसी के साथ नेशनल ट्राइबल जो यहाँ पे पूरा एक कह सकते हो कि एक पूरा फेस्टिवल चलेगा, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल जो होगा वो भी आपको नई दिल्ली के अंदर ही ऑर्गेनाइज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये तीन जो थे वो पुराने थे और एक चौथा है ये आपको नया देखने को मिल रहा है। सीएम कौन है, केजरीवाल जी हैं, सबको पता हो। केजरीवाल जी ने अभी कुछ टाइम पहले एके नाम का एक जो ऐप है वो लॉन्च किया था, और यहां पे जो हाईकोर्ट है उसके एडवोकेट्स के लिए भी एक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो IAF इंडियन एयरफोर्स के बारे में एक न्यूज़ है, तो पहले तो ये जान लो कि ये जो डे है इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ये 8th October को मनाया जाता है, इट्स वेरी कॉमन, आप सबको ये चीज पता है। सेकंड पॉइंट देखो क्या है भैया, न्यूज क्या है, IAF लॉन्चेस मल्टीप्लेयर वर्जन ऑफ इंडियन एयरफोर्स अ कट अबव गेम, यानी कि इंडियन एयरफोर्स जो है उसने अभी हाल ही में एक गेम लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडियन एयरफोर्स अ कट अबव। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो गेम है भैया ये किसके लिए लॉन्च किया गया, क्या ये सिटीजन्स के लिए है, क्या ये सिर्फ जो उन लोगों के लिए है जो कि एयरफोर्स में जॉब करते हैं क्या उनके लिए, तो भैया ध्यान रखिएगा ये हर एक पर्सन के लिए है। ये गेम इसलिए शुरू किया गया है कि अगर कोई भी एस्पायरेंट है जो कि एयरफोर्स के फील्ड में आना चाहता है तो एटलीस्ट उसको आइडिया हो जाएगा ये गेम देखे कि यार लाइफ जो है एयरफोर्स ऑफिसर्स की वो कैसी होती है, कैसे उन लोगों को डिसीजन लेना होता है, क्विक डिसीजन लेना होता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया। सेकेंड पॉइंट, अगर चीफ पूछे जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना भैया इनका नाम BS धनोवा जी है, आपको याद आ रहा होगा राफेल जो है
उसका नाम यहाँ पे रखा गया था RK001। कुछ याद आया? तो ध्यान रखना कि एयर फोर्स के जो चीफ हैं वो कौन है, BS धनोआ जी हैं। अगर पूछा जाता है आर्मी के चीफ कौन है, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, विपिन रावत जी हो जाएगा। और अगर पूछा जाता है नेवी के चीफ कौन है, तो करमवीर सिंह जी यहाँ पे आपको नेवी के हेड देखने को मिलेंगे। अब देखो ये जो गेम होगा इसमें तेजस भी मिलेगा, राफेल भी मिलेगा, मिराज भी मिलेगा और सुखोई भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इससे पहले भी आपको दो गेम देखने को मिले, ये तो लेटेस्ट वाला है, लेकिन इससे पहले भी दो गेम है, टीम बैटल्स एंड डेथ मार्च। तो अगर मान लो एग्जाम में पूछा जाता है कि यार ये कोई बात नहीं, अगर लेट आए हो तो बाद में भी सेशन को देख लेना, सेशन आपको मिले। अच्छा हाँ, प्लेलिस्ट वाला एक इशू, सॉरी भूल गए थे बताना, प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं वो मिल नहीं रहे, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों तक आपको सारे वीडियोस उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि पुराने और कौन से गेम है। अगली न्यूज़ जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स से ही जुड़ी हुई है। न्यूज़ क्या है यहाँ पे, IND एयर, अब ये है क्या जरा ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो सबसे पहला क्या है यहाँ पे, CSIR और नीरी जो है, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे लॉन्च किया है IND एयर। अब ये IND एयर है क्या और क्या काम करेगा वो आपको बताते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो इसका फुल फॉर्म जान लो, इंडियन एयर क्वालिटी इंटरैक्टिव रेस्पिरेटरी, यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का काम होता है ना, कि वो देखता है कि एनवायरमेंट के अंदर PM का अमाउंट कितना है, PM 2.5 कितना है, PM 10 कितना है, उसी तरीके से जो काम है वो यहाँ पे IND एयर करने वाला है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका जॉइंट वेंचर है या फिर इसको लॉन्च किसने किसने किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, CSIR ने किसके साथ मिलकर किया है, नीरी के साथ मिलकर किया है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ अगर कोई भी केस होता है तो यहाँ पर वो केस कौन हैंडल करता है, तो NGT जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, वो इसको यहाँ पर डील करेगा। आदर्श गोयल जी इसके हेड हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके साथ जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन, इस प्रोजेक्ट का काम क्या है, तो ये जो परियोजना है यहाँ पर, ये एक आप कह सकते हो अवेयरनेस का भी काम करेगा और एयर क्वालिटी जो है रिसर्च स्टडी इन ईजी एक्सेसिबल वेब फॉर्मैट फॉर द पब्लिक मीडिया रिसर्च एंड एकेडमिक्स, यानी कि देखो चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पब्लिक हो, रिसर्च हो, एकेडमिक्स हो, हर एक जगह पर जो एनवायरनमेंट का कंडीशन है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे कैप्चर करने का काम कौन करेगा, IND एयर के द्वारा किया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है यार, क्या सिर्फ चीज़ों को कैप्चर करना या चीज़ों के बारे में चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने से ही काम चलेगा? काम तो यह तभी चलेगा ना जब आप कोई एक्शन लोगे, इसीलिए बोलते हैं कि बोलना कम चाहिए, एक्शन जो है वो आपका एक्शन जो है हमेशा सॉलिड होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि IND एयर जो है किसने लॉन्च किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, केसेस जो हैं एनवायरनमेंट से जुड़े हुए वो कौन देखता है, AQI का फुल फॉर्म क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है RBI से, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे तो पर्सनली ऐसा लगने लगा है कि RBI ने जब से गवर्नमेंट को पैसा दिया है ना, तब से RBI हर एक बैंक के ऊपर, हर एक कंपनी के ऊपर, हर एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर पैसा जो है ना वो फाइन के रूप में इम्पोज करता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ऐसा हो रहा है? ये मेरा अपना पर्सनल थॉट है। ओके, अब देखो यहाँ पे न्यूज़ क्या है, RBI ने जो यहाँ पे फाइन लगाया हुआ उससे जुड़ी हुई न्यूज़ है। RBI इम्पोजेज ₹5 लाख फाइन ऑन ऑक्सीजन सर्विसेज। ऑक्सीजन सर्विसेज क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस यहाँ पे RBI ने उसके ऊपर 5 लाख का फाइन लगाया हुआ है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ऑक्सीजन सर्विसेज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुरुग्राम। और गुरुग्राम के अंदर आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कुछ पुरानी न्यूज़ है जो कि RBI या फिर बैंकिंग से जुड़ी हुई है, मैंने एक जगह पे कंपाइल कर दिया। देखो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसने अभी हाल ही में इंस्टेंट डिजिटल सेविंग एंड इंस्टेंट FD अकाउंट की शुरुआत करी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट, RBI ने अभी रिसेंटली ₹35 का फाइन लगाया हुआ है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के ऊपर। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये भी आपको चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ICICI बैंक ने अभी रिसेंटली FD हेल्थ की शुरुआत करी है, इसको भी ध्यान रखना, पुरानी न्यूज़ है, सब आपके लिए एक जगह पे कंपाइल कर दी है। तो FD हेल्थ किसने लॉन्च किया, ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली बड़ौदा किसान की शुरुआत करी है, ये एक तरीके का ऐप है जो कि किसानों को यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कर्नाटका ग्रामीण बैंक ने अभी रिसेंटली मोबाइल ATM की शुरुआत करी है। तो जितनी भी शुरुआत हुई है सब आपको पता होना चाहिए। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है मुंबई में, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर है, ठीक है। अगली न्यूज़ देखो, अगली न्यूज़ भी यहाँ पे आपकी इकोनॉमी सेक्टर से ही है। इंडियन बैंक हैज़ साइन MOU, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, MOU का फुल फॉर्म क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे साइन किया है किसके साथ, मुथूट माइक्रो फाइनेंस के साथ यहाँ पे साइन किया गया एक एग्रीमेंट, किसने, इंडियन बैंक ने इसको साइन किया है, किसके लिए,
टू सर्व स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेस. हम लोग पढ़ते हैं ना MSME, पढ़ते हैं ना, मतलब जितने जितने छोटे छोटे से यहाँ पे फाइनेंसिस कंपनीज होती हैं, यहाँ पे जो बैंक होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे लोग जो काम करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, इन सबको यहाँ पर और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए इंडियन बैंक ने यहाँ पे मुथूट माइक्रो फाइनेंस के साथ टाई अप किया है, ताकि उनको इजीली जो लोन है वो दिया जा सके. हम लोगों ने सुना है ना मुद्रा बैंक के बारे में, बिल्कुल उसी तरीके से अब ये जो बैंक है ये भी थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करना शुरू करेगा. आपको एग्ज़ाम में क्या ध्यान रखना है, इन्होंने जो अपना टाई अप किया है किसके साथ है, तो मुथूट के साथ किया है. उसके बाद इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेन्नई में है, और इसके हेड कौन है, पद्माजा जी को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है. अच्छा, मुद्रा का ज़रा मुझे फुल फॉर्म बताओगे जल्दी से, मुद्रा का मुझे फुल फॉर्म बताइए. आर के भदौरिया जी जो हैं बिल्कुल करेक्ट है, आर के भदौरिया जी एयर चीफ है, हाँ बिल्कुल करेक्ट. सब बफरिंग हो रही है, प्लीज़ इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा एक बार. ओके, अगली न्यूज़ देखो क्या है, गूगल पे फॉर बिजनेस, इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है चेन्नई के अंदर, और ये भी काम करेगी किसके लिए, MSME के लिए. अब देखो काम क्या होगा, गूगल पे सबको पता है गूगल पे के बारे में, तो गूगल पे फॉर बिजनेस जो है वो चेन्नई में लॉन्च किया गया. इसका काम ये है कि MSME के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, या फिर जितने भी कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब के अकाउंट में जो पैसा है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जा सके. बीच में पैसा जो है वो बट जाता है ना, कि अगर पैसा जो है मैंने आपको दिया कि जाइए जाइए भैया जाके वहाँ उनको पैसा दे दीजिएगा, तो क्या होता है इसमें बिचौलिया आपको बीच बीच में देखने को मिलते हैं ना, इन सबको ख़त्म करने के लिए गूगल पे फॉर बिजनेस की शुरुआत करी गई है. अब क्या होगा, जो पैसा है वो डायरेक्टली उस पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा जो कि UPI से लिंक्ड है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से यहाँ पर लिंक्ड है, उसी के अंदर यहाँ पर किया जाएगा. ये बात समझ में आ गई. अच्छा, अगर मान लो पूछ लिया जाए आपसे UPI जो है ये डेवलप किसने किया है, तो NPCI के द्वारा इसको डेवलप किया गया. मैंने आपको कई बार बताया, भीम ऐप हो गया, UPCI हो गया, रुपे कार्ड हो गया, इन सबको NPCI के द्वारा ही यहाँ पे बनाया गया है. अच्छा, इन सबके साथ डील कौन करेगा, अगर मान लो पूछ लिया जाता है कि इन सबको रेगुलेट कौन करता है, तो रेगुलेट करने का जो काम है वो RBI ही करता है. अगली न्यूज देखो, मॉरिशियस से है, थोड़ा सा मॉरिशियस घूम लेते हैं. मॉरिशियस के जो PM है प्रविंद गुजनाथ जी, ये दोबारा से आपको देखने को मिल रहे हैं आज क्योंकि यहाँ पे दोबारा आप ये कह सकते हो कि मॉरिशस के जो PM है वो यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं. वो कौन है, प्रविंद गुजनाथ जी को अपॉइंट किया गया है, और यहाँ पे मोदी जी ने इनको बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी हैं. लेकिन अब ज़रा मैप के पॉइंट पर आ जाओ, मॉरिशस की कैपिटल क्या हो जाएगी, पोर्ट लुइस होगी, करेंसी क्या हो जाएगी, मॉरिशियन रुपी इसकी करेंसी होगी, ठीक है. ओके, PDF चाहिए यार, सेशन खत्म होने के बाद ना कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एक लिंक एक अपना ज़रा मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा. ओके, अब देखो यहाँ पे मैप की बात आई है, तो ये आपको नज़र आ रहा है अफ्रीका, अफ्रीका के जस्ट ऊपर देखोगे तो आपको मिलेगा यूरोप, और इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा भूमध्य सागर जिसे हम मेडिटेरेनियन सी के नाम से जानते हैं. इसके जस्ट बगल में आपको मिलेगा इंडियन ओशन, हिंद महासागर, और जहाँ पर मॉरिशियस लोकेटेड देखने को मिलता है. तो एग्जाम में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो मॉरिशियस है वो कौन से ओशन में देखने को मिलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन ओशन इसका आंसर होगा, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या, मैंने आपको बता दिया. बट अगर मान लो पूछ लिया जाता है कि जो मॉरिशियस है क्या वहाँ से इक्वेटर लाइन क्रॉस करती है कि नहीं क्रॉस करती है, तो ध्यान रखिएगा इक्वेटर लाइन जो है वो बिल्कुल मॉरिशियस से बिल्कुल पास से क्रॉस करते हुए जाती है. तो जब भी मैप में आप किसी चीज़ को लोकेट किया कर, तो तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों लाइनें क्रॉस करते हुए जाती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, आंसर क्या होगा, अफ्रीका. समझ में आ गई बात. तो जब भी मैप करो ना, हमेशा मैप में चीज़ों को लोकेट करते हुए चला करो, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक. अगला देखो, यहाँ पे अवार्ड से जुड़ा हुआ पॉइंट है. देखो, डेमिन अवार्ड इन टोक्यो हैज़ बीन गिवन टू वीनू श्रीनिवासन. श्रीनिवासन जी जो हैं उनको अभी हाल ही में टोक्यो के अंदर डेमिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है. अभी हैं कौन, तो वीनू श्रीनिवासन जी जो हैं वो TVS मोटर के चेयरपर्सन है, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंडली कहाँ पर अवार्ड मिला, टोक्यो के अंदर. थर्ड पॉइंट, कौन से अवार्ड मिला, डेमिन अवार्ड मिला. वन लाइनर है, फटाक से याद हो गया, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपने दिया. ओके, अब देखो PDF लिंक जो है, अभी PDF के बारे में बिल्कुल लास्ट में बताते हैं. सेकंड देखो, यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था राजस्थान पत्रिका ग्रुप के जो चेयरपर्सन है गुलाब कोठारी जी, उनको यहाँ पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा राजा राम मोहन रॉय अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. पुराना है आपको हम बता चुके हैं, सिर्फ मैंने आपको रिकॉल कराया. नेक्स्ट देखो,
कुमार मंगलम बिरला वॉज अवॉर्डेड द ग्लोबल एशिया अवार्ड एट दुबई इवेंट, यानी कि कुमार मंगलम बिरला को दुबई इवेंट में ग्लोबल एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनको कौन सा अवार्ड मिला। भैया अब न्यूज़ में आया है यूएई, यानी कि अबू धाबी और दिरहम के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके साथ यूएई से जुड़ी हुई जितनी भी न्यूज़ है वो सब भी हम लोग डिटेल में एक बार देखते चलते हैं। फटाफट से देखो, कैपिटल हो गई, करेंसी हो गई। दुबई के अंदर कैमल हॉस्पिटल जो है सबसे पहला बनाया गया वर्ल्ड का, यहीं पर आपको सबसे पुराना जो मोती है वो देखने को मिला। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी जी को। ऑर्डर ऑफ जायद 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया नवदीप सिंह सूरी जी को। नेक्स्ट, शेख खलीफा बिन जायद को अभी हाल ही में री इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। भूलिएगा मत, अभी मैंने फ्राइडे को यह न्यूज आपको बताई थी, अब मैंने इसको कंपाइल कर दिया, ठीक है। ओके, अच्छा ये मैंने आपको बता दूं, पीडीएफ के लिए जो आप पूछ रहे हो ना, पीडीएफ जो है वो आपको 11 बजे तक मिल जाएगा। जो डिस्क्रिप्शन होगा जहाँ पे वीडियो आपको दिखेगा ना, वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा 11 बजे तक, और उसके साथ में सैटरडे वाला जो सेशन है उसका भी आपको लिंक वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। इनकेस डिस्क्रिप्शन में ना दिखे तो जहाँ पर कमेंट वाला सेक्शन होता है ना, कमेंट में सबसे पहला जो कमेंट होगा वो पीडीएफ का ही लिंक होगा, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको दोनों मिल जाएगा। अब देखो अगली न्यूज़ क्या है एनसीआर के बारे में। एनसीआर है, एनआरसी नहीं है, जरा ध्यान दीजिए। अब नेशनल कैपिटल रीजन 2041 की जो मीटिंग है वो अभी ऑर्गेनाइज करी गई दिल्ली के अंदर। यहां पे क्यों हुई है ये, तो इसका काम ये है कि जितने भी एनसीआर हैं उन सब में और ज्यादा डेवलपमेंट कैसे लेके आया जाए, डेवलपमेंट के साथ साथ यहां पे जो पॉल्यूशन है उसको कैसे कर्व किया जाए, पॉल्यूशन को रोकते हुए डेवलपमेंट को कैसे आगे लेके जाना है, इन सब चीजों के बारे में यहां पर डिस्कशन किया गया। अब पॉइंट यहां पर यह है कि इसकी थीम क्या है, तो प्लानिंग फॉर टुमारोज ग्रेटेस्ट कैपिटल रीजन इसकी थीम रही है। ऑर्गेनाइज कहां हो रहा है, दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली खुद से ही एक एनसीआर है। अब दिल्ली यार देखो बोलते किसको है, तो अगर कोई भी एरिया है जो कि करीबन इतना किलोमीटर देखने को मिलता है, अप्रॉक्स इतने किलोमीटर, और वहां की जो पॉपुलेशन है वो आपको अप्रॉक्स इतनी देखने को मिलती है, उसको हम एनसीआर कहते हैं। यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, इन सब जगह पर आपको एनसीआर देखने को मिलता है। अगला पॉइंट, एक किताब है यहां पर कश्मीर, इसको लिखा गया है चित्रलेखा जुटसी जी के द्वारा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि कश्मीर मुद्दा एज यूजुअल आपको पता है न्यूज में है, तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है। टेलीग्राम में मिलेगा क्या, या टेलीग्राम का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये ध्यान रखो कि सेशन के जस्ट नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। चलो आपके सामने सवाल, आंसर करो फटाफट से, आंसर करो। आंसर करिए जल्दी से, बताइए यहाँ पे निकोला एडम्स जो हैं वो कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं। तो निकोला एडम्स जो हैं वो बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हैं। ये सवाल इसलिए मैंने बनाया क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है वो डिक्लेयर किया। आपके लिए होमवर्क ये है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके साथ कंट्री की कैपिटल और यहाँ पर करेंसी क्या है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज ये आपका पहला होमवर्क जो मैंने दिया। अगली न्यूज देखो स्पोर्ट्स सेक्शन से क्या है, इंडिया वुड बी होस्टिंग द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, यानी कि मेंस का जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो भारत के अंदर आयोजित किया जाएगा। कौन से ईयर में, 2023 में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, स्पेन और नीदरलैंड्स जो है वो 2022 का जो विमेन वर्ल्ड कप है हॉकी का उसको ऑर्गेनाइज करेगा। तो दो पॉइंट हो गया, लेकिन तीसरा ये ध्यान रखिएगा कि अंडर 17 वाला जो फीफा है वो इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा कब, 2020 में, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हो गई जो आपको ध्यान रखनी है, चाहे वो हॉकी हो चाहे वो फुटबॉल हो, किसी से भी जुड़ा हुआ क्यों ना पॉइंट हो, हमेशा एग्जाम में स्पोर्ट्स से एक सवाल आपसे पूछा ही जाता है। ओके वेरी नाइस, हमने आंसर कर भी दिया बॉक्सिंग, थैंक यू वेरी मच रूपा जी। अब देखो यहाँ पे कुछ और फैक्ट है, अब इंडिया बांग्लादेश के बीच में मैच चल रहा है, सबको मालूम है इसके बारे में। अब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय जो बने हैं वो कौन हो गए, दीपक चहर हो गए। सेकेंडली, दीपक चहर ने बांग्लादेश के खिलाफ, कई बार होता है ना पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री के अगेंस्ट मैच हो रहा था, तो बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच है वो खेला गया, और कितने ओवर में, 3.2 ओवर्स में उन्होंने 7 रन देकर कितने विकेट लिए, 6 विकेट। ओ माय गॉड, ये तो कुछ ज़्यादा ही फिगर हो गया। नेक्स्ट देखो, इससे पहले ये जो अवार्ड है वो, इससे पहले ये जो यहाँ पर नाम था, ये जो रिकॉर्ड का नाम था वो किसके नाम था, तो अजंता मेंडिस, और जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, इनके नाम पर ही आपको रिकॉर्ड देखने को मिला। छोटा सा फैक्ट है, दिमाग के लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव कर लो। आगे ऑर्गेनाइजेशन का सेंक्शन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में देखो बिल्कुल करेक्ट है, जो फीफा होगा 2022 वाला वो दोहा में होगा, शिवानी कुमारी जी ने बिल्कुल करेक्ट बोला है, वेरी नाइस। ओके,
सैटरडे को क्लास नहीं हुआ था क्योंकि ये जो अयोध्या वाला मुद्दा था उसके चलते सेक्शन 144 लगा हुआ था। अच्छा, व्हाट इज सेक्शन 144 जरा आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जरा जल्दी से बता दो व्हाट इज सेक्शन 144। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कौन से आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है वर्ल्ड बैंक। देखो वर्ल्ड बैंक की अगर हम स्थापना की बात करें कि एस्टैब्लिश कब हुआ है, तो 1944 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, लेकिन इसने काम करना कब से चालू किया है, तो 1945 से इसने काम करना शुरू किया। वर्ल्ड वॉर टू होने के बाद 1 से लेकर 22 जुलाई के बीच में ब्रिटेन एक जगह है, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई और वहाँ पे डिसाइड किया गया यार जो अब पूरी इतनी बड़ी वर्ल्ड इकोनॉमी बनने जा रही है, अब उसको किस तरीके से डील किया जाएगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे होगा वहाँ पे, और किस तरीके से हम गरीबी को ख़त्म करेंगे, इन सब चीज़ों के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। और यही ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है जो आगे चल के किस नाम से जानी गई, वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी गई। तो पहला सवाल तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसका पहले नाम क्या था या फिर उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सेकेंडली अगर पूछा जाता है एस्टैब्लिश कब हुआ है 1944 में, अगर फंक्शनिंग पूछी जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा, 1945 इसका आंसर होगा। थर्ड पॉइंट, हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यूएसए के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, टोटल कितनी कंट्रीज हैं इसके अंदर, तो 189 कंट्रीज आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। यार अगर किसी का कोई ऐसा सवाल है जो हम रीड नहीं कर पाते हैं, प्लीज़ सेशन खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में प्लीज़ से ड्रॉप कर दिया करो। दो से ज़्यादा लोग एक जगह पे नहीं हो सकते, बस यही है सेक्शन 144 और कुछ नहीं है। अच्छा तो फिर आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है, सवाल जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा मेजरअप हो गया, जरा मुझे बताएंगे। तो फिर आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है, क्या आर्टिकल नंबर 19 में जितने भी राइट्स आपको दिए जाते हैं, जितने भी अधिकार आपको दिए जाते हैं, क्या उसके ऊपर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, और अगर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है तो वो कौन कौन से सेक्शन है जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। सवाल थोड़ा सा टफ हो गया मुझे पता है, लेकिन फिर भी सवाल पूछना था, सवाल मैंने आपसे पूछा, आंसर भी हम ही करेंगे अगर नहीं आया आंसर तो। चलो अच्छा, अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, अब ये जो वर्ल्ड बैंक है वो किसके किसके लिए काम करता है, तो ट्रेडिंग के लिए काम करता है, क्लाइमेट चेंज के लिए, और इवन पॉवर्टी गरीबी को भी ख़त्म करने के लिए। बबलू प्रजापति जी ने आंसर जो किया है बिल्कुल करेक्ट है, जारी करता है, वेरी नाइस। लेकिन जो मेरा अभी सवाल है आर्टिकल 19 वाला, चलो मुझे जल्दी से बताओ कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर आर्टिकल नंबर 19 को कर्ब किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट, नेशनल एजुकेशन डे भी है। बिल्कुल भाई, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ब्रिट्स ये जो यहाँ पे ब्रिटेन वुड्स है उससे वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों निकल कर आए हैं, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। आज एक्चुअली वर्ल्ड बैंक कर रहे थे इसलिए मैंने IMF का नाम नहीं लिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, बिल्कुल करेक्ट बात है भैया। फ्रीडम, देखो आर्टिकल नंबर 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा, आने जाने का अधिकार मिलेगा, कहीं पे भी रहने का अधिकार, आपको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। लेकिन आर्टिकल नंबर 19 के अंदर आपको दो यहाँ पे ऐसे सेक्शंस मिलते हैं जो आर्टिकल नंबर 19 को कर्व करता है, पहला है सेक्शन नंबर 144, दूसरा है सेक्शन नंबर 142। 144 अगर कहीं पर भी लगता है तो आप गुट बना के नहीं खड़े हो सकते, कोई भी ग्रुपिंग नहीं हो सकती। सेकेंडली आपके पास कोई भी आर्म्स भी नहीं होने चाहिए, ये जो क्लॉजेज है ना वो आपको देखने को मिलते हैं सेक्शन नंबर 144 के अंदर। कहीं भी इम्पोज होता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि आप कहीं बाहर आ जा नहीं सकते, आप बिल्कुल आ जा सकते हैं, लेकिन ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ा ये क्लॉज होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो भाई वापस आ जाए वर्ल्ड बैंक पे, पॉलिटी फिर कभी किसी दिन। अंशुला कांत जी को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया एज अ वर्ल्ड बैंक ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में, यानी कि CFO के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, डेविड मालपास जी यहां पे इसके प्रेसिडेंट है। अब देखो वर्ल्ड बैंक की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, होता है ना IMF में अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक के अंदर भी आपको 5 ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, या हम ये कह लें 5 ऐसी बॉडीज हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर जुड़ के काम करती हैं। अब कौन कौन सी हैं देखो, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अब ये जो बना हुआ है क्या काम करेगा, तो इसका काम ये होता है कि लोन देता है। अच्छा एक चीज़ और, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या टैरिफ बेसिस पे लोन देता है या कोटा बेसिस पे लोन देता है, तो ध्यान रखिएगा कि टैरिफ बेसिस पे जो लोन है वो हमेशा वर्ल्ड बैंक देगा, IMF जो है वो हमेशा कोटा बेसिस पे लोन देता है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्रेडिट एंड ग्रांट्स, क्रेडिट ग्रांट और जो लोन्स है वो यहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन क्या है, ये भी लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन किसको, उन कंट्रीज़ को प्रोवाइड करेगा जहाँ पे जो इनकम है वो बहुत ही कम होती है, या फिर हम ये कह लेते हैं लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं या फिर लो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करने का काम करता है, ये इंडिया को लोन नहीं देगा, इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के अंदर क्या होता है, गिव्स लोन टू द प्राइवेट कंपनीज़, ये क्या करेगा, ये प्राइवेट कंपनीज़ को लोन देता है।
शेफाली वर्मा, वेरी नाइस। मैंने सोचा था कि कल इस पे एमसीक्यू बनाएंगे, न्यूज़ तो मुझे पता थी बट आई थॉट कि यहाँ पे जो और बाकी चीज़ें हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है। वीरेंद्र कुमार जी ने पूछा है सेक्शन 142 पूछा है या आर्टिकल 142 पूछा है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 142 भी आपको कल न्यूज़ में देखने को मिला है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट होता है आर्टिकल नंबर 142 का। चलो यार कोई बात नहीं, हम लोग पॉलिटी किसी और दिन डिस्कस करें, पॉलिटी में चले गए ना तो ये रह जाएगा, प्लीज़ इसको पहले पूरा कर लेते हैं। मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, देखो यार अपना जो सवाल है ना वो कमेंट सेक्शन में बाद में ड्रॉप कर देना, आई विल आंसर, मैं उसका आंसर करूंगी, ये मेरी गारंटी है भैया, मैं आंसर करूंगी। अब देखो ये जो यहाँ पे एजेंसी क्या करती है, मनी को लेंड करती है लेकिन अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वॉर, अगर कहीं पर भी वॉर हो जाती है, युद्ध हो जाती है तो उस केस में ये जो एजेंसी है वो यहाँ पर क्या करती है, फंड को एलोकेट करना शुरू करती है। नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब जैसे लो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट हुआ, कोई कंपनी आई इंडिया में, उसने अपना यहां पे एक कंपनी लगा ली लेकिन दिक्कत ये हुई कि अब यहां पे जो तूतू मैमे है वो शुरू हो गई, उस केस में यहां पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बनाया गया है, लेकिन इंडिया जो है वो इसका पार्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्लॉज, इंडिया जो है वो इसका पार्ट नहीं है। अब वर्ल्ड बैंक जो है वो कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ये जो रिपोर्ट है ये अभी हाल ही में आई थी जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 63rd देखने को मिली, ठीक है। यार फास्ट जाना पड़ता है क्योंकि कंटेंट बहुत है और क्लास जो है वो भी 2 मिनट लेट शुरू हुआ था, ठीक है। आर्टिकल नंबर 144 नहीं है, सेक्शन नंबर 144 है। आर्टिकल सेक्शन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, और भैया शाम को 7 बजे जीएस का क्लास होता है सर, वहाँ पे आपको डिटेल में सब बताएंगे। अच्छा आज जो स्टेट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है तेलंगाना, जल्दी से देख लो ये कब बना है, 2 जून को बना, किससे अलग होके बना है, तो आंध्र प्रदेश से अलग होके बना, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। हैदराबाद कौन सी रिवर के किनारे पे, तो ये मूसी के किनारे है, और 2024 तक यही सेम कैपिटल रहेगी आंध्र प्रदेश की भी। नेक्स्ट सीएम कौन है, तो चंद्रशेखर राव जी यहाँ सीएम है। गवर्नर कौन है, अभी रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट किया गया था, तमिलीसाई जी हैं। डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 33 है। हैदराबाद जो है वो लार्जेस्ट सिटी देखने को मिलती है, तेलुगु और उर्दू जो है वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट देखो लोकसभा सीट्स कितनी है, 17, राज्यसभा कितनी है, 7, 17 और 7, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसके साथ इसका बॉर्डर लगता है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। अब यहाँ से वो सारे पॉइंट मिलेंगे जो न्यूज़ में रहे हैं रिगार्डिंग तेलंगाना। सबसे पहले देखो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं ये आपको पढ़ना है। 9th हैदराबाद लिटरेसी फेस्टिवल जो है वो हैदराबाद के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। 1st नेशनल लीगल स्पोर्ट्स मीट जो हुई थी वो भी हैदराबाद के अंदर ही ऑर्गेनाइज करी गई थी। नेक्स्ट देख लो 1956 में ओलंपियन फुटबॉलर जो रहे थे जुल्फिकार जी, उनकी हाल ही में निधन हो गया। अगर पूछा जाए कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आंसर विल बी तेलंगाना। ओके बैंकिंग अवेयरनेस बहुत जल्दी मिलेगा, 1 घंटा पता नहीं चलता, हम तो सोच रहे हैं 1.5 घंटा कर दिया जाए, क्या कहते हैं आप लोग, क्लास जो है 1.5 घंटे का कर दिया जाए क्योंकि कंटेंट बहुत हो जाता, क्लास खत्म नहीं हो पाता। उसके बाद तेलंगाना के जो फॉर्मर यहाँ पे आपको मिनिस्टर देखने को मिलते हैं उनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया, तो एक बार से पढ़ लीजिएगा। कलेश्वर, यहाँ पे कलेश्वर प्रोजेक्ट जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कौन से स्टेट में है, तो तेलंगाना इसका आंसर होगा। अमेजॉन ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट यहाँ पे कैंपस खोला है हैदराबाद के अंदर। स्टैटिक क्विज, फटाफट से सवाल और आंसर करते जाओ। वेंकटेश्वर टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, स्टेट का नाम, फटाक से आंसर करो स्टेट का नाम। जबरदस्ती नैना मैमे, कौन नैना, हम नहीं जानते किसी नैना मैना को। चलो सवाल आंसर करो, वेंकटेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा कौन से स्टेट में, आंध्र प्रदेश के अंदर ये लोकेटेड है। अगला काशी विश्वनाथ टेम्पल, जल्दी से 2 घंटे की क्लास, सुबह से शाम तक यही पढ़ना है क्या। चलो अगला, नेक्स्ट कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा यूपी वाराणसी के अंदर गंगा नदी के किनारे। अगला सवाल, लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है, स्टेट का नाम, स्टेट का नाम पटाक से आंसर करो, आंसर क्या होगा, ओरिसा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ कोनार टेम्पल जो है वो भी आपको ओरिसा में मिलेगा। नेक्स्ट सांची स्तूपा, स्टेट का नाम, सांची स्तूपा 6:30 बजे शुरू कर दें, बहुत सही, सांची स्तूपा कहाँ पर मिलेगा ये आपको, तो ये मिलेगा आपको एमपी में। नेक्स्ट महाबोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल पटाक से आंसर करो या इतना टाइम मत लो, जल्दी से आंसर करो, महाबोधि टेम्पल स्टेट, स्टेट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार इसका आंसर है। गॉट इट, ये था स्टैटिक वाला पोर्शन। अब जरा मुझे ये बताओ हाउ इज द सेशन, सेशन आपको कैसा लगा जल्दी से बताओ। अच्छा मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे,
आकाश जसवाल जी का, अश्विनी कुमार जी का, अभी इन लोगों का एग्ज़ाम था, कौन सा आरबीआई ग्रेड का यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ, जिसमें से बहुत सारे सवाल जो है वो हम लोग के सेशन से आए हैं। तो यार सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, अगर आपको लगता है कि सेशन से प्रॉफिट होता है तो ही उसको शेयर किया करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स बने ही इसलिए हैं। नेक्स्ट देखो, ये वो सवाल हैं जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, कमेंट सेक्शन में डिटेल में आंसर करिएगा, ताकि कल यहाँ पर ये जो इमेज आई है यहाँ पर आपका भी नाम आपको देखने को मिले। तो कमेंट सेक्शन में इन सब क्या आपको आंसर करने हैं। और एक चीज, अयोध्या वाला जो पूरा डिस्प्यूट है इसका आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगी 1:30 बजे, ठीक है, 1:30 बजे सर आपके साथ जुड़ेंगे, जहां पर डिटेल एनालिसिस मिलेगी। अब पीडीएफ के लिए आपको बता दें, पीडीएफ जो है वो 11 बजे मिलेगी आज के सेशन की, और सैटरडे का जो एमसीक्यू रहा है उस सेशन के भी, दोनों की पीडीएफ आपको 11 बजे मिल जाएगी। कहाँ? कमेंट सेक्शन में, सबसे पहला कमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, बहुत सारी आपने नई चीज़ें सीखी होंगी। और हाँ, अगर कोई सवाल है रह गया हो, मैंने नहीं पढ़ पाया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अभी 5 मिनट बाद एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। इसके जस्ट बाद एडिटोरियल के लिए आपके सर मैम आपके साथ कनेक्ट होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.